अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और कक्ष निर्धारित कमरों में प्रत्याशी अपने नामांकन जमा करेंगे। राजधानी की सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए, कल से प्रत्याशी अपने नामांकन जमा कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है, तो 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और उसके पहले जो है लिस्ट भी जारी हो सकती है, ऐसे क्यास लगाया जा रहा है, क्योंकि कल से 30 तारीख तक नामांकन चलेंगे। 30 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन कराने की। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सूची भी जारी हो सकती है, क्योंकि कल से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी और 30 तारीख तक ये नामांकन चलेंगे। उसकी तैयारियां जो है पूरी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर और कक्ष जो है निर्धारित कर दिए गए, जो निर्धारित कक्ष है उसमें ही प्रत्याशी जाकर अपना नामांकन करवा सकेंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। खबर रायपुर से, चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिहाज से रिटर्निंग ऑफिसर और कक्ष निर्धारित कर दिए गए हैं, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है जो 30 तारीख तक चलेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है रायपुर के जो है विधानसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और कक्ष निर्धारित किए गए हैं, सातों विधानसभा के लिए जो है रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है, जिसकी 21 अक्टूबर से विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा जो है नामांकन दाखिल करना प्रारंभ हो जाएगा और इसकी जो है अंतिम तिथि जो है 30 अक्टूबर तक रखी गई है। धरसीवा विधानसभा के प्रत्याशी कक्ष क्रमांक जो है 21 को तय किया गया है और ग्रामीण रायपुर के लिए जो है कक्ष क्रमांक 9 जो है तय किया गया है। रायपुर पश्चिम के लिए वही कक्ष क्रमांक 7 को चयनित किए हैं और उत्तर और जो है दक्षिण को भी 12 और 4 को। इस प्रकार से जो है आरंग और अभनपुर का भी जो है कक्ष भी चयनित किए हैं और उसी प्रकार जो है ऑफिसर्स की भी नियुक्ति किए हैं। तो जो है रिटर्निंग ऑफिसर जैसे कि प्रकाश कुमार टंडन है, जैसे टिल्डन एवरत है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, बाबूलाल कुर्रे हैं तहसीलदार हैं, इस प्रकार से इन लोगों का भी नियुक्ति किए हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए तो चुनावी तैयारी भी जोरों शोरों पर है और सभी अधिकारी जो है तैयारी पर लगे हुए हैं और पहले चरण के चुनाव जो है 7 तारीख को होंगे, दूसरे चरण जो है 17 तारीख को होंगे। इस प्रकार से जो है 20 लगभग 20 विधानसभा में जो है पहले चरण में चुनाव, तैयारियां जो है पूरी हो गई है और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 30 तारीख तक चलेगी। उसके पहले सूची भी जारी हो सकती है, ऐसे क्या लगाया जा रहा है, देखना खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नंदलाल, और तमाम जानकारी के लिए।